हाय एवरीवन, आज हम बना रहे हैं केसर श्रीखंड। तो सबसे पहले हमें हंकड़ लेना है एक कटोरी। उसके लिए ये मैंने कपड़े में बांध दिया था दही को, किसी भी मसलिन क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ में हंकड़ हो गया। अब 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी इसमें हमें मिक्स करनी है। और ये केसर को हमने दूध में भिगो लिया। केसर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि इसमें कलर भी आ जाएगा और हम केसर श्रीखंड बना रहे हैं तो फ्लेवर भी। और इसे अच्छे से विस्कर की हेल्प से मिला लेंगे एक ही डायरेक्शन में, ताकि अच्छे से स्मूथ टेक्सचर का हो जाए। तो इसे मिक्स करते रहिए जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए और अच्छा सा कलर मिक्स हो जाएगा। अब देखिए एकदम मिक्स हो गया है और कितना प्यारा कलर केसर से आ गया है। वैसे तो ये रेडी हो गया है, लेकिन अब इसे हम मिट्टी के बाउल में सर्व कर रहे हैं। सुंदर से सर्विंग भी सुंदर होनी चाहिए ताकि खाने वाले का देखते ही खाने को मन करे। और इसे ड्राई फ्रूट के साथ में और केसर के साथ में गार्निश कर रही हूँ। और इसे फ्रिज में रखिए 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये और भी थिक हो जाएगा और ठंडा, और उसके बाद आप सर्व कीजिए पार्टी में या कहीं भी। और अभी तो समर सीजन है तो बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा सबको, ठंडी चीज़ें खाना सबको पसंद आता है। सो ट्राई करना ये रेसिपी आप, और इन्जॉय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक टेक केयर, बाय।